हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वार टू फाइट चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिर से करेंगे रैंक पुशिंग, तो आप लोग चैनल में बने रहना और वीडियो को देर नहीं करके चलो शुरू करते हैं। अभी तो मैं बीमा शक्ति के ऊपर के साइड एलशिप में हूँ और मेरे को छोड़ के अभी भी 7 बंदे अलाइव है और मेरा 9 किले। तो सामने बंदा है, फाइट चल रहा है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। एक बंदा को मैं स्पॉट कर लिया और डैमेज दे रहा हूँ, नहीं लग रहा है रिकॉइल। ओ भाई साहब, उसको मार दिया एक बंदे ने, तो मैं थोड़ा सर्वाइव कर लेता हूँ क्योंकि अभी रश करूँगा तो मैं गंदा पीटूँगा। एक बंदे को 62, 65, 75 दिया, बंदा क्रोनो ऑन कर लिया, फिर से मारा। कितने एचपी आए भाई, इतना मारा तब भी नहीं मरा। और लास्ट जोन में तो भाई अब जितने भी किल कर लो, 10-12 किल कर लो, एक्साइटेड में आकर रश मत करना लास्ट जोन में, क्योंकि चारों तरफ से गोली आएगी आपकी तरफ, तो इजी मर जाओगे। और मैं एक ग्रेनेड मारा, ग्रेनेड आर पार ही नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा भाई, स्केट बूट है तो स्केट बूट से उधर चला गया यार। इन भाई मैं क्या बताऊँ, मैं कल रात फुल वीडियो बनाया था गेम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, भाई सुबह देखा तो डिलीट हो गया, तो अभी इन गेम करना पड़ रहा है। और सामने एक बंदे इसको बहुत डैमेज दिया, वो भी मुझे डैमेज दिया, तो अभी थोड़ा बैक आ जाता है, नहीं तो मार देगा, फिर से डैमेज दिया। अभी उसको काम तमाम कर देंगे। ये देखिए ग्लिच है इन गेम रिकॉर्डिंग, भाई देखो उसकी तरह क्या हो गया। और सामने एक बंदा है, मेडिकेट कर लेता हूँ। भाई क्या बोलूँ, सुबह देखा तो वीडियो नहीं था, तो फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा। इन गेम रिकॉर्डिंग थोड़ा ग्लिच चलता है। उसको थोड़ा डैमेज दिया, वो भी गंदा डैमेज देता है भाई, एक गोली के बच्चा है, मर गया। तो सर्वाइव करके तो मैं बुआ निकल लिया, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्लिप पे क्या होता। और अभी मैं हूँ इस वाले क्लिप में, देखना अभी मैं हूँ फैक्ट्री में और मेरे को छोड़ के चार बंदे और मेरा किल भी जा रही है। तो भाई बोल रहा हूँ कि आप सच्ची में बोल रहा हूँ, लास्ट राउंड में कभी भी रश मत करना, क्योंकि भाई देखो आप सोलो पुश करते हो तो आपको ज़्यादा प्लस नहीं मिलेगा, तो बुया तो ऑब्वियसली लाना पड़ेगा ना आपको। मिनिमम तो 25 प्लस चाहिए या फिर 30 चाहिए क्या। और ग्रैंड मास्टर प्लेयर हो तो भाई बुया तो मास्ट भी चाहिए, क्योंकि प्लस नहीं मिलता ना भाई, जितना भी किल कर लो हर मैच में तो आपको 10-12 किल नहीं मिलेगा, कुछ मैच में तो आपको 4-5 भी किल रह सकते हैं, तो इसीलिए भूया ज़रूरी है। तो आप लोग हरबरी में रश मत करना, थोड़ा होल्ड करके खेलना तो फिर अच्छा होगा, बंदा भी मर जाएगा, तो 1v1 बा 1v2 सिचुएशन में आप इजी जीत जाओगे, क्योंकि थोड़ा भी तो एक्सपीरियंस होगा ना आपका, ग्रैंड मास्टर प्लेयर हो। तो मैं तो अभी पुश कर रहा हूँ, तो अभी सामने एक बंदा दिखा तो उसको मैं डैमेज दिया और नॉक हो जाएगा बंदा, सोनिया एक्टिव हो गया। भाई सोनिया कैरेक्टर बहुत घटिया कैरेक्टर है भाई, इतनी मुश्किल से तो मारता हूँ, फिर वो ही बंदा 3 सेकंड में मुझे मार देता है, तो बहुत परेशानी होती है। और आप लोग को बताना ये सोनिया कैरेक्टर गेम स्टार्टना चाहिए या फिर नहीं। और होमर चालू कर दिया इसको, देखो भाई साहब होमर से ही मर गया बंदा। तो अभी थोड़ा होल्ड करेंगे क्योंकि रिस्क नहीं लेना, ये सामने 2 बंदे हैं और मैं थोड़ा सर्वाइव कर लूँगा तो मेरा होमर भी चार्ज हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा अच्छा होगा। 1v1 सिचुएशन में बहुत फ़ायदा मिलता है होमर से। ओरियन होगा तो थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि होमर ओरियन में नहीं फूटता और क्या बोलते हैं उकोंग में भी नहीं फूटता, तो इसीलिए थोड़ा परेशानी है। और कुछ नहीं, होमर भाई आप लोग ग्रैंड मास्टर प्लेयर तो मार्च भी होमर लेके ही खेलना, क्योंकि 1v1 सिचुएशन में आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बंदा का मूवमेंट स्पीड, गोली का फायर रेटिंग सब कम हो जाता है ना इसी वजह से,
इजी रहता है, 99% चांस रहता है आप लोग 1v1 सिचुएशन में हैंडल कर लोगे। तो अभी छोड़ते हो सब, बता आप लोग बताओ आप लोग कहाँ से देख रहे हो। मैं तो त्रिपुरा से हूँ भाई, और मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, तो माफ़ कर देना कोई भी गलती होगी तो। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, न्यू यूट्यूब है तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को लाइक, एक भी लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, तो फिर मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, तो सपोर्ट करना भाई। और आप लोग का कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का लेवल कितना है। मेरा तो 68 है, तो आप लोग बताना कितना है। तो अभी 1v1 सिचुएशन है, मेरा होमर भी चार्ज हो गया, तो देखते हैं क्या होता है। और भाई मैं घर पे वॉइस ओवर नहीं कर पाता, मैं बाहर आकर करना पड़ता है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ होगा तो माफ़ कर देना। और एक इस बंदे को थोड़ा डैमेज दिया, और देखो मेरा कॉल भी आ गया। तो देखते क्या होता है। तो अभी रश कर देता वो बंदा, देखो मूवमेंट कम हो गया ना, इसी वजह से बोलता हूँ। देखो बंदा हिल भी नहीं पाता भाई, तब क्या बोलूँ। होमर बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आप लोग खेल सकते हो। ग्रैंड मास्टर प्लेयर हीरोइक में तो आप